जिस पल का रोमकॉम के शौकीन और फिल्म प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह आ गया है, क्योंकि संजय छाबड़िया के एवरेस्ट एंटरटेनमेंट ने हरी ओम हरी का आधिकारिक ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। प्रतिभाशाली निसर्ग वेद द्वारा निर्देशित यह फिल्म दिल छू लेने वाले रोमांस और साइड रिप्लेटिंग कॉमेडी के संयोजन से एक साथ एक दृश्य तमाशा होने का वादा करती है। वहीं हम आपको बता दें, हरी ओम हरी प्यार की यात्रा और दूसरा मौका, हरी ओम हरी सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, यह प्यार दोस्ती की कहानी है और सिखाती है कि जिंदगी हमें खुशी का दूसरा मौका देती है। यह फिल्म 24 नवंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है और हाल ही में लॉन्च किया गया है ट्रेलर फिल्म की एक अनोखी झलक दिखाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार गुजरात आके गुजराती फिल्म, मेरी पहली फिल्म गुजराती में बनी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। और हमने हाँ हमने सिद्धार्थ भाई के साथ जो वेंचर किया है, वी आर वेरी एक्साइटेड और बहुत खुशी हो रही है उनके साथ काम करके। फिल्म देखी है हमने, अभी आपने ट्रेलर देखा, होपफुली आपको सबको पसंद आया। फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनी है, इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है निसर्ग वैद्या, लेकिन आप पिक्चर देखोगे तो आप कहोगे नहीं कि उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की है। तो गुजराती का माहौल अभी बहुत अच्छा है और फेस्टिवल का माहौल शुरू हुआ है, अभी दिवाली है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर लोगों को पसंद आएगी, गुजरात के ऑडियंसिस को। और हमने पूरी मेहनत की है, सिंसियरिटी से कोशिश की है, अच्छी फिल्म बनाई है, बाकी सब ऑडियंसेस के हाथ में है। बात करें तो जे त्यानी एक्सपीरियंस थोड़ू जणा खूब सरस एक्सपीरियंस हतो। बधी इंडस्ट्रीनो जे काम करवानी रीत होय बधी खूब अलग अलग होय छे, त्याना लोको ऑब्वियसली थोड़ा वधारे पड़ता एक्सपीरियंस्ड हता अने हवे नवा नवा टेक्निशियन्स आपणी इंडस्ट्रीमां आव्या छे। पण घणी बधी एवी फिल्मो छे ज्यां साउथथी टेक्निशियन्स आवे छे आपणी गुजराती फिल्मोमां काम करवा माटे, जे आई थिंक खूब मोटी वात छे। अने डेब्यूटन्ट डायरेक्टर साथे वर्क करवानो આ ફિલ્મ જોજો, અમે બહુ જ મહેનત કરી છે અને મારી ફર્સ્ટ ફિલ્મ છે, મારા માટે બહુ જ સ્પેશિયલ છે, નિસર્ગની ફર્સ્ટ ફિલ્મ છે, પ્રોડક્શન હાઉસની ફર્સ્ટ ફિલ્મ છે, તો પ્લીઝ જોજો, બહુ જ ફન, લાઇટ હાર્ટેડ, તમે જોશો તો ખબર પડી જશે બહુ બધા જોનર્સ છે આમાં। પ્લીઝ જાઓ 24 નવેમ્બર, અગર 24 ના ફાવે તો પછી વહી જજો, પણ પ્લીઝ જોજો। શું કહેવાનું દોસ્ત, નવી ફિલ્મ છે, નવી વાર્તા છે, નવો કોન્સેપ્ટ છે, નવા દિગ્દર્શક છે અને યુવાન કલાકારો છે, રોનક યોમાનંદી ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ મલ્લાર, અને સાથે હું છું ચેરી ઓન ધ કેક। પણ બહુ ગમત પડી એવી આ ફિલ્મ છે દોસ્તો, હું એટલું જરૂર કહીશ કે યંગસ્ટર્સને ટાર્ગેટ કરતી આ ફિલ્મ છે, યુવાનોને ખૂબ મજા આવશે, આમાં કંઈક શીખવા મળશે એવી આ વાત છે। એનો માત્ર લવ સ્ટોરી નથી, ગરીબ છોકરો અને અમીર છોકરીને પ્રેમમાં પડ્યા ને એવી વાર્તા, ક્ષુલ્લક વાર્તા નથી, આ મિનિંગફુલ વાત છે, સંબંધોની વાત છે, માનવીય સંબંધોની વાત। તો અને બહુ સુંદર રીતે ડાયરેક્ટ થયેલી આ ફિલ્મ છે, જેનો પુરાવો એ છે કે આ એકમાત્ર ગુજરાતી ફિલ્મ છે જે ઇફી જે ગોવામાં આયોજન થયું છે જે ફિલ્મ મહોત્સવનું, એમાં આ ફિલ્મ સિલેક્ટ થઈ છે।